हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंडियन नेवी में जो है किस प्रकार जो है जा सकते हैं, यानी किस प्रकार जो आप उसमें जॉब कर सकते हैं। दोस्तों आपने अगर प्लस टू कर ली या फिर दोस्तों आईटीआई कर रखी है तो दोस्तों वीडियो ये आपके लिए है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सिंपल से लाइक करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी में जॉब कैसे लेंगे आप आईटीआई के बाद, कैसे लेंगे आप आईटीआई के बाद या दोस्तों प्लस टू के बाद, ठीक है। या फिर आपने आईटीआई कर ली या फिर प्लस टू कर ली तो कैसे लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लस टू के बाद। दोस्तों बहुत से जो लड़के हैं प्लस टू उन्होंने कर ली और दोस्तों आईटीआई करने की सोच रहे हैं, दोस्तों उनको मैं बता दूँगा, अगर आपने प्लस टू कर ली कौन से स्ट्रीम से, पीसीएम से। पीसीएम क्या होता है दोस्तों, जो नॉन मेडिकल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे आपने पीसीएम से कर ली दोस्तों, आपके पास जो है ट्वेल्थ में 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। कितने परसेंट, 60% नंबर होने चाहिए। और दोस्तों आपको जो है एनडीए का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा और दोस्तों वहाँ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं उसमें दोस्तों आपका ट्रेनिंग चलेगा एनडीए का, और दोस्तों जो है आप इंडियन नेवी में या इंडियन आर्मी में या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास 60% नंबर होने चाहिए, पीसीएम में नंबर होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और दोस्तों जो आपकी एज है, एज दोस्तों आपके पास होने चाहिए 14 साल से लेके 19.5 साल के बीच आप होने चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक दोस्तों। तो ये थी प्लस टू वालों के लिए। दोस्तों मैं आईटीआई वालों के लिए बात करूँगा क्योंकि दोस्तों जो हमारे चैनल है वो आईटीआई वालों के लिए है। लेकिन दोस्तों जो आप जो है इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं प्लस टू के बेस पे, तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे या अदर चैनल यूट्यूब पे एनडीए के बारे में सर्च कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका एज जो है 14 से लेके 19.5 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा आईटीआई वालों के लिए क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है हमारी आईटीआई, क्योंकि दोस्तों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे आईटीआई वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे जो है वेल्डर ट्रेड वाले जुड़े हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं, और चाहे आप आईटीआई में फीटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, तो दोस्तों वो सेम यही प्रोसेस है सबके लिए। तो मान लीजिए आपने आईटीआई जो है कर लिए वेल्डर ट्रेड से, ठीक है। तो वेल्डर ट्रेड से आपने कर ली आईटीआई, तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है तो आपको बता दूँ कि आपने वेल्डर से कर ली आईटीआई, तो आपको जो है एनसीबीटी से करना है। एनसीबीटी कराती है ज़्यादातर आईटीआई, ठीक है। तो दोस्तों आपको एनसीबीटी से करना चाहिए आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे फीटर कर रहे हो, टर्नर कर रहे हो। फीटर दोस्तों एससीबीटी भी होता है, लेकिन आपको क्या है एनसीबीटी ही करना है। कोई भी ट्रेड हो आपको एनसीबीटी करना है, मैं प्रेफरेंस देता हूँ दोस्तों, नहीं तो आगे जाके आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितनी एनसीबीटी को छूट वगैरह मिलती है वो एससीबीटी को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको, वेल्डर कर ली आपने एनसीबीटी से, आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, सब हो गया, ठीक है। तो आपने कर ली, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इंडियन नेवी के लिए स्पेशल बता रहा हूँ दोस्तों, और किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो रिजल्ट आ गया आपका, उसके बाद दोस्तों आपके पास दो जो है मौके होते हैं इंडियन नेवी में जाने के लिए। तो दोस्तों बता दूँ आपको, तो मैं लिख देता हूँ इंडियन नेवी। तो दोस्तों दो रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए। एक तो दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू जा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या है वो बताऊंगा आपको, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एक अप्रेंटिसशिप होता है और दोस्तों एक होता है हमारा जो फॉर्म निकलते हैं दोस्तों, ट्रेड्समैन के फॉर्म निकलते हैं इंडियन नेवी के। अब दोस्तों ये मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता कि कब जो है फॉर्म निकल जाए। दोस्तों अभी जो फॉर्म निकले थे अप्रेंटिसशिप के, उसमें ट्रेड्समैन, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के, उसमें दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है मांग रखी थी, लेकिन किससे मांग रखी थी, इंडियन नेवी से ही मांग रखी थी, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेड्समैन की वैकेंसी कभी कभी जो आती है दोस्तों फ्रेशर लेती है, बिल्कुल जिन्होंने आईटीआई सिर्फ कर रखी है, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ आईटीआई कर रखी हो, किसी भी ट्रेड से कर रखी हो, बस एनसीबीटी होना चाहिए, तो दोस्तों उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों उनका जो सिलेबस होता है वो बता दूँ आपको, उनको दोस्तों सिलेबस जो पढ़ना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है जीके, जीएस और दोस्तों रीजनिंग, और उनको पढ़ना पड़ता है रीजनिंग
और दोस्तों मैथ्स पढ़ना पड़ता है, और दोस्तों जर्नल इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो है, अगर आप आईटीआई करके सीधा आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा जो है सिलेक्शन लेने में बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि उन्होंने आईटीआई में वेल्डिंग ट्रेड पढ़ी है, और दोस्तों ये सारी चीज़ उनको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप का, इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, और दोस्तों इसमें जो है आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है इंडियन नेवी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों जो अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की, उसमें दोस्तों अप्रेंटिसशिप मांगी है। अप्रेंटिसशिप भी कौन सी मांग गई दोस्तों, जिसने इंडियन नेवी से ही जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे दोस्तों कोई भी जोन हो, इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर ली, जैसे अभी आपने वेल्डर से एनसीबीटी पास आउट करी है, ठीक है, रिजल्ट आपका आ गया, दोस्तों आपको जो है इंडियन नेवी के फॉर्म का वेट करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अप्रेंटिसशिप में इसका फॉर्म निकलता है, और दोस्तों आपको 1 ईयर का जो है एक तरह का आप ट्रेनिंग मान लीजिए, ये अप्रेंटिसशिप दोस्तों एक ट्रेनिंग होती है, इसमें दोस्तों आपको स्टाइपेंड मिलता है। चाहे दोस्तों स्टाइपेंड दोस्तों आपको बता दूँ कितने पैसे मिलते हैं, 7,000 से लेकर 10,000 के बीच आपके जो है स्टाइपेंड जो है रहता है। दोस्तों इतनी इसमें सैलरी नहीं होती अप्रेंटिसशिप पे, लेकिन दोस्तों ये आगे जाके मतलब कि आगे फॉर्म निकलता है कोई, तो वो दोस्तों आपका अप्रेंटिसशिप अगर आपने इंडियन नेवी से कर रखी है और आपका सब कुछ क्लियर है, तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और दोस्तों उसमें जो है आपका जो सिलेबस रहेगा, आईटीआई कर ली आपने और अप्रेंटिसशिप कर ली, या इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप कर ली, तो दोस्तों उसमें आपका सिलेबस रहेगा वेल्डर ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, जो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं उस पर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे। और दोस्तों वेल्डर ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे आपके, और दोस्तों आते हैं जीके जीएस आएंगे, नॉर्मल आते ज़्यादा नहीं आते, और रीजनिंग के आएंगे आपके, रीजनिंग आएंगे, और दोस्तों मैथ आएगा, ठीक है। तो उसमें दोस्तों इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती इस वाले में, अगर आप अप्रेंटिसशिप करके सीधा इसमें जाते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ हमारी इंडियन नेवी के लिए स्पेशल। अगर दोस्तों आप ये पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें आपका पढ़ने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपके पास आईटीआई का भी एक हो जाएगा और अप्रेंटिसशिप भी हो जाएगा, 2 साल आपके पास यहाँ हो जाएंगे, और दोस्तों आपकी थ्योरी भी थोड़ी, अगर आप वेल्डर से जुड़े रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना होते हैं। जीके जीएस दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल लेवल के ही पूछते हैं। रीजनिंग दोस्तों बहुत ही आसान पूछता है, और मैथ्स भी बहुत ही आसान पूछता है दोस्तों, फिर इसमें जाने की आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी अभी आईटीआई करी है और अभी अभी आप अगर पास आउट हुए हैं, आप रिजल्ट अभी अभी आया आपका, चाहे किसी भी ट्रेड से आया हो, ठीक है, अगर एनसीबीटी से है, तो दोस्तों आपको वेट करना है इंडियन नेवी की अप्रेंटिसशिप आने का। दोस्तों उसमें अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। धीरे धीरे दोस्तों कई जो है कि जरूर बताइए कि अगला आपको कौन से जॉब में जाने के लिए चाहते हैं, और मैं आपको गाइडेंस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।